हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है साइज डिप्लोमा नामक पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करते हैं यूडीसी के अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। तो आज का जो टॉपिक है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जिसके पहले हमने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा था। तो हाँ, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मेथड ऑफ कपलिंग इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, तीन प्रकार की आरसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्म्ड कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। तो सर्किट डायग्राम इसका कुछ इस प्रकार से होता है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। इसमें एक यहाँ से लगा होता है और यहाँ सीधे यहाँ पे रजिस्टर 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 और यहाँ पे और यहाँ पे और ऐसे ऐसे रजिस्टर लगे रहते हैं और यहाँ पे आउटपुट होता है वी आउटपुट, आरसी कपल्ड टू स्टेज। और उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड टू स्टेज। तो ये दोनों की डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम। आपको साफ साफ से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब उम्मीद करते कि अब आपको साफ स्पष्ट दिख रहा होगा। और यहाँ पर भी एक ब्लॉक डायग्राम है, तो आप इसे भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसमें क्या है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का वह रूप है जिसमें एक से अधिक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर लगे होते हैं। इसमें एक से अधिक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर लगे होते हैं, दो भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। और इसके बाद टॉपिक है एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में लगे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को जोड़कर एक संयुक्त रूप देने की प्रक्रिया को कपलिंग कहते हैं। जैसे कि आप पहले भी जानते होंगे कपलिंग, कपलिंग मतलब दो चीज़ों को जोड़ने को ही कपलिंग कहते हैं, मतलब कपल कर देना, मिला देना। और यही इसे जोड़कर एक संयुक्त रूप देने की प्रक्रिया को कपलिंग कहते हैं। यही ये भी बता रहा है सरल भाषा में इसे, जैसे कि दो चीज़ों को अगर आप जोड़ते हैं, दो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को जोड़ते हैं, जो नया बनता है संयुक्त रूप से जोड़ करके जो नया बनता है उसे ही कपलिंग कहते हैं, उस प्रक्रिया को ही कपलिंग कहते हैं। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो इसके आगे की बात है नीड ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो पहले टॉपिक शुरू होती है यहाँ से, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की उपलब्धता के बाद भी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की उपयोगिता यह है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के माध्यम से हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की तुलना में अधिक वोल्टेज गेन प्राप्त कर सकते हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर मतलब कई स्टेजों में आपका एम्पलीफाई हो, तो कई स्टेज में एम्पलीफाई होगा, मतलब सिंगल स्टेज में जितना वोल्टेज गेन प्राप्त होता था दूसरी बार करेंगे तो उससे अधिक होगा, तीसरी बार करेंगे उससे भी अधिक होगा। तो यही ये कहने की बात कह रहा है, वोल्टेज गेन प्राप्त कर सकते हैं, अधिक वोल्टेज गेन आवश्यक है। उसका तो लॉजिकली है कि अगर कई स्टेज में आप एम्पलीफाई करेंगे तो पहले स्टेज में जो एम्पलीफाई होकर के आएगा उससे फिर दूसरी स्टेज में जब करेंगे उसका दुगुना हो जाएगा, इसका मतलब उससे अधिक होगा। तो लास्ट में जो मल्टी स्टेज में जो प्राप्त होगा तो अधिक ही वोल्टेज गेन प्राप्त होगा। एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन इसमें लगे सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गणितीय रूप में हम कह इसके आगे देखते हैं सकते हैं कि यदि दिए गए थ्री स्टेज एम्पलीफायर में लगी सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्रम से AV1, AV2 एवं AV3 है, तो इस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का ओवरऑल वो वोल्टेज गेन AV निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, AV = AV1 × AV2 × AV3। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं एक ब्लॉक डायग्राम बना है, A1, A2, A3, इसमें जो वोल्टेज लगे हैं वी इन है, V1, V2 और यहाँ पे V आउट हो गया, ऐसे ऐसे सब वोल्टेज लगे हैं। AV = V out / V input = V out / V2 / V2 / V1 / V1 / V in = A3 × A2 × A1, AV = AV1 × AV2 × AV3, ये प्रूफ हो गया, यानी कि उसको डेविएट कर दिया गया है। अब कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कपलिंग मेथड्स, तो जो कपलिंग डिवाइस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कॉस्ट इम्पीडेंस मैचिंग एप्लीकेशन ओवर आर यूज। तो इसमें आरसी कपलिंग में क्या होता है, कैपेसिटर,
कपलिंग डिवाइस के रूप में यूज होता है, और फ्रीक्वेंसी एक्सिलेटर एग्जेटिंग फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी होती है ना फ्रेंड, और कॉस्ट इसकी लेस होती है। नॉट गुड इम्पीडेंस मैचिंग में नॉट गुड होता है वोल्टेज, और एप्लीकेशन में वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, और ट्रांसफार्मर कपलिंग में ट्रांसफार्मर ही कपलिंग डिवाइस होगा, और ये पुअर होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में, और इसकी कॉस्ट अधिक होती है, और इसका इम्पीडेंस मैचिंग एक्सीलेंट होता है, और इसमें एप्लीकेशन और यूज पावर एम्पलीफिकेशन एंड इम्पेडेंस मैचिंग में डायरेक्ट कपलिंग, इसमें नोड कोई भी डिवाइस नहीं कनेक्ट होती है। बेस्ट इन लो फ्रिक्वेंसी एंड डीसी, और डीसी में और इसकी कास्ट लिस्ट होती है, और इसकी इम्पीडेंस मैचिंग एवरेज ही होती है, और इसकी एप्लीकेशन और यूज लो फ्रिक्वेंसी एप्लीफिकेशन। तो हो गए इसके कुछ कंपैरिजन ऑफ डिफरेंस कपलिंग मेथड के। कपलिंग मेथड ही मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, उपरोक्त दिए गए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के विवरण से स्पष्ट है कि कपलिंग डिवाइस युग्मन युक्त, कपलिंग डिवाइस को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मन युक्त, एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के कॉन्जिक्यूट सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के बीच लगी हुआ डिवाइस अथवा एलिमेंट है, जिसका कार्य पिछले एम्पलीफिकेशन स्टेज के आउटपुट को यथासंभव बिना किसी छीड़न एवं विरूपण के अगले स्टेज के इनपुट तक पहुंचाना होता है। किसका, कपलिंग मेथड। हाँ, कपलिंग का मतलब होता है, ये कहना क्या चाह रहा है, जो कपलिंग डिवाइस होती है वो पहले सिंगल स्टेज, माने कई सिंगल स्टेज एम्पलीफायर जुड़े होते हैं ना, तो अगर पहले सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के जो उसका आउटपुट आता है उसे बिना कोई इरर या त्रुटि, बिना के छिरण के, अटेन्यूएशन के और एवं डिस्टॉर्शन के अगले स्टेज के इनपुट तक पहुंचाना, क्योंकि सिंगल स्टेज डबल होते हैं, तो पहले का आउटपुट जो होता है, जो आया उसमें बिना कोई अटेन्यूएशन और डिस्टॉर्शन के अगले सिंगल स्टेज के इनपुट तक पहुंचाना होता है। इसका काम क्या, किसका काम, कपलिंग डिवाइस का। हाँ, तो आवश्यकता के आधार पर मूल रूप से तीन कपलिंग मेथड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हम निम्नवत वर्णित करते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया था, आरसी कपलिंग और ट्रांसफार्म कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, ये सब तीन मेथड है। तो पहले पढ़ते हैं आरसी कपलिंग। आरसी दर्शाए गए आरसी कपल एम्पलीफायर टू स्टेज एम्पलीफायर से स्पष्ट है कि इस कपलिंग मेथड में कपलिंग डिवाइस के रूप में एक कैपेसिटर का प्रयोग होता है। तो जैसे कि हमने पहले भी इसमें कंपैरिजन किया था, तो उसमें बताया था इसमें कैपेसिटर ही कपलिंग डिवाइस होती है, जो स्टेज वन एम्पलीफायर के आउटपुट को डीसी ब्लॉकेज के साथ स्टेज टू की इनपुट तक पहुंचाता है, और इस स्टेज वन के एम्पलीफायर के आउटपुट को डीसी, मतलब डीसी ब्लॉकेज, डीसी ब्लॉक करके और स्टेज टू के इनपुट तक पहुँचाने का कार्य करता है। इस कारण से इस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का डीसी स्टेबलाइजेशन सर्वोत्तम होता है, जिससे वोल्टेज एम्पलीफायर के रूप में कार्य करते हुए उच्च बैंडविड्थ प्राप्त की जा सकती है। डीसी स्टेबलाइजेशन उच्चतम होती है, इसकी सर्वोत्तम होती है। और इसके बाद पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर कपलिंग की। दर्शाए गए ट्रांसफार्मर्स कपल टू स्टेज एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम से स्पष्ट कि इस कपलिंग विधि में प्रथम चरण के एम्पलीफायर का आउटपुट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग के माध्यम से द्वितीय चरण की इनपुट पर पहुंचाया जाता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग की विशेषता यह है कि इसके माध्यम से हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के दो कॉन्जिक्यूटिव चरणों को आपस में इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कपल्ड बना सकते हैं। इसका अर्थ है कि ट्रांसफार्मर कपलिंग के माध्यम से हम बिना वास्तविक विद्युतीय संपर्क के भी एक चरण के आउटपुट को अगले चरण के इनपुट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंडक्शन के सिद्धांत के द्वारा भेज सकते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो होता है
इलेक्ट्रिकली तो कनेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कनेक्ट होता है ना, दो सिरे होते हैं उसके द्वारा ट्रांसफार्मर काम करता है। वही बता रहा है कि ट्रांसफार्मर जो सर्किट डायग्राम से स्पष्ट है, कपलिंग भी दिखे। प्रथम चरण के एम्पलीफायर का आउटपुट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग के माध्यम से द्वितीय चरण के इनपुट पर पहुँचाया जाता है। प्राइमरी आउटपुट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी एवं सेकेंडरी वाइंडिंग के माध्यम से द्वितीय चरण में पहुंचाने का कार्य करता है। ये ट्रांसफार्मर कपलिंग पहुंचा सकते हैं वो जो पहले ट्रांसफार्मर कपलिंग स्पार्किंग के कारण उत्पन्न नॉइस को सीमित करने का एक अच्छा विकल्प है। ट्रांसफार्मर कपलिंग में कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कनेक्ट होने के कारण इसमें जो स्पार्किंग ट्रांसफार्मर कपलिंग स्पार्किंग के कारण उत्पन्न नॉइस को सीमित कर देता है, एक अच्छा विकल्प ये उभर करके आता है। अगर वो स्पार्किंग नॉइस है तो उसमें ट्रांसफर कपलिंग का प्रयोग करें। हाँ, डायरेक्ट कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग क्या होती है? दर्शाए गए डायरेक्ट कपल्ड टू स्टेज एम्पलीफायर के सर्किट डायग्राम से स्पष्ट है कि इस चरण में वन स्टेज का आउटपुट बिना किसी कपलिंग डिवाइस के वायर कनेक्शन द्वारा टू स्टेज एम्पलीफायर के इनपुट पर पहुँचाया जाता है। डायरेक्ट मतलब एक दूसरे से एकदम डायरेक्टली जुड़े हैं, तो उसका एक काम होता है बिना कोई कपलिंग डिवाइस, इसमें कोई नहीं होती, एक भी कपलिंग डिवाइस नहीं होती। हाँ, बिना ये डायरेक्ट कनेक्ट हो, वायर से कनेक्ट होते, एक दूसरे के वायर से कनेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे पहले का आउटपुट दूसरे सेकेंड स्टेज के इनपुट से जाकर डायरेक्टली वायर द्वारा कनेक्ट होता है। और इसकी और भी पढ़ते हैं, स्पष्ट है यह कपलिंग विधि उपरोक्त वर्णित सभी कपलिंग विधियों में से सबसे सस्ती है। जाहिर सी बात है, अगर आप इसमें कोई कपलिंग डिवाइस ही नहीं यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई ना ही कोई डिवाइस का खर्च आता है, डायरेक्ट वायर सस्ता सा वायर आता है, वायर से डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए और ये हो जाता है डायरेक्ट कपलिंग। परंतु डायरेक्ट कपलिंग में कपलिंग कैपेसिटर की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को सीमित करने के लिए यदि कपलिंग कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है तो सूत्र xc=1/ωc=1/2πfc स्पष्ट है। यदि आवृत्ति f का मान बढ़ता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस xc का घटेगा, जिससे इस कैपेसिटर की डीसी सिग्नल को रोकने की क्षमता कम हो जाएगी। डायरेक्ट बात है, xc मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस xc घटता है और जिससे डीसी सिग्नल को रोकने की क्षमता इसमें कम हो जाती है। अतः संयुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर एवं आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर दोनों ही लो फ्रिक्वेंसी के एम्पलीफिकेशन के लिए अधिक उपयुक्त है, जो भी कह लीजिए। हाँ, तो इसमें सबसे अच्छी कौन हुई? सबसे सस्ती हुई डायरेक्ट कपलिंग। और ट्रांसफार्मर कपलिंग में अगर आपको स्पार्किंग नॉइस की दिक्कत आ रही है तो उसको अच्छा विकल्प है, और उसमें क्या है, डीसी को वो ब्लॉक्ड कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है। हाँ, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर हो, अपने कॉलेज को व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम फैला दो, एकदम जितने भी क्लास के बच्चे हैं तुम्हारे सहपाठी मित्र सबके पास ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए। सबसे सब्सक्राइब कराओ। हाँ, सब्सक्राइब की बात आ गई तो कर देते हैं कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबाए बेल आइकन, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको सबसे पहले मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।